हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं सुमन सोरा, ऑस्कर, आपका ऑस्कर लव गुरु। और आज का टॉपिक है कि आपकी लाइफ में बहुत लोग आए, ठीक है, मतलब बहुत सारे पार्टनर आए, ठीक है, बहुत बार आपने दिल लगाया लेकिन आपका कभी प्यार टिका नहीं, ठीक है, आपको मतलब सच्चा प्यार मिला नहीं, ठीक है। बहुत लोग होते हैं, मतलब देखो दिल तो लगभग सब लगा ही लेते हैं, जो भी पैदा होता है मतलब कभी ना कभी उसको प्यार हुआ ही है, कहीं मतलब कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी ना किसी से, ठीक है, सब दिल लगा के बैठे हुए हैं, मतलब सब लगा ही लेते हैं, ठीक है। इवन हम लोग अपने पापा मम्मी से पूछेंगे तो भाई वो लोग भी कभी ना कभी, ठीक है, दिल लगा ही होंगे। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, एक ही से प्यार करते हैं और एक ही से शादी हो जाता है, या डायरेक्ट एकदम अरेंज मैरिज करते हैं, एकदम सिंगल ही रहते हैं। लेकिन बहुत लोग क्या है, दिल लगाते हैं लेकिन पहला दिल लगाए ब्रेकअप हो गया, फिर दूसरा दिल लगाए, फिर तीसरा दिल लगाए, फिर साला ब्रेकअप, फिर चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां दसवां ग्यारहवां बारहवां, समझ रहे हो ना। लेकिन अधिकतर क्या होता है, चार पांच बार दिल लगाते हैं लेकिन भाई टिक नहीं पाता है। आप लोग ऐसे बहुत लोग होंगे, ठीक है, कि लाइफ में आपके बहुत लोग आए। कुछ लड़के होंगे जिनमें जिनके लाइफ में बहुत सारी लड़कियां आई, ठीक है, मिले जुले फिजिकल भी हुआ, घपा घप भी हुआ। कुछ लड़कियां होंगी जिनके लाइफ में बहुत सारे लड़के हैं लेकिन सच्चा प्यार टाइप का आपको नहीं आया। अभी भी आपका लाइफ खालीपन है, अभी भी अकेलापन है आपके मन में, आप समझ रहे हो। पहला प्यार बहुत ही मतलब वो शिद्दत से करते हैं क्योंकि एकदम साफ मन होता है। उस समय सोचते हैं कि एकदम मेरा पार्टनर तो एकदम छोड़ के जाएगा नहीं, यही मेरा पति होगा, यही मेरी पत्नी होगी, यही जीवन साथी, साला एकदम सब कुछ कुर्बान इसके लिए। लेकिन जब पार्टनर घटिया हो जाता है या आपकी भी कुछ गलती होती है, रिलेशनशिप नहीं टिक पाता है, तो फिर अकेलापन लगता है। फिर थोड़ा एक बार ट्राई करते हो, कुछ महीने गैप देके फिर ट्राई करते हो, चलो एक और के साथ चलते हैं, फिर वहां से भी बकचोदी हो गई तो तीसरा, फिर चौथा, आप समझ रहे हो। तो आपके लाइफ में बहुत लोग आए लेकिन अभी तक कोई एक जन ऐसा नहीं मिला, मतलब कि जिसके साथ आप मतलब एक होता नहीं है, मतलब अभी तक आपको वो नहीं मिला, वो प्यार, सच्चा प्यार। तो ऐसा क्यों? कुछ लोग होते हैं जो खुद को ब्लेम देते हैं कि यार मेरे में ही दिक्कत है यार, समझे, क्योंकि यार देखो यार ये भी आई वो भी आई, ये भी आया वो भी आया, ठीक है, सब छोड़ के चले गए, छः सात लोग आए मेरे लाइफ में, कोई टिक नहीं पाया। यार एक बात याद रखना, इस वीडियो में बात कर रहा हूँ सीरियस रिलेशनशिप की, ये नहीं कि आप प्लेबॉय प्लेगर्ल की तरह बस मजे मारने के लिए आप रिलेशनशिप में गए, उसका मैं बात नहीं कर रहा हूँ। वो इमोशनल लेस है वो रिलेशनशिप, जो सिर्फ सेक्स वेक्स के लिए आते हैं चार दिन के लिए पाँच दिन के लिए, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ एकदम सीरियस रिलेशनशिप की, ठीक है। तो बहुत सारे आए लोग लेकिन मतलब नहीं टिक पाए, तो आप खुद को ब्लेम देते हो, ठीक है, कि यार मेरे में दिक्कत है। तो हो सकता है कि आप सच बोल रहे हो सकता है कि आप में ही दिक्कत हो सकता है कि आपका नेचर घटिया हो। आप सुंदर हो लेकिन नेचर घटिया है, तो आप सुंदर हो इसलिए लोग अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, सेक्स वेक्स हो गया तो आपका सुंदरता का कोई अचार तो लगाएगा नहीं, ठीक है। फिर आपके पार्टनर को आपसे मतलब होता है आपका नेचर भी कैसा है, तो आप सिर्फ सुंदर थे जिससे कि आपका पार्टनर अट्रैक्ट हुआ, लेकिन आपका नेचर सही नहीं होने की वजह से उसको मजा नहीं आ रहा है तो छोड़ के चला गया। होता है बहुत लोग के साथ। या फिर आप ही का सोच ऐसा है कि आपको सिर्फ हैंडसम लड़के के साथ रिलेशनशिप में आना है या एकदम सुंदर लड़की हो, ठीक है, आप दिल देखते ही नहीं हो, इसलिए आपके साथ भी गलत होता है, ठीक है। अगर मल्टी पार्टनर्स आए हैं आपके लाइफ में लेकिन एक के साथ भी टिक नहीं पाया, सीरियस रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ, मजाक वाला नहीं, ठीक है, फिर भी किसी के साथ तीन महीने ही रहा, किसी के साथ दो साल भी रहा, लेकिन दो साल जिसके साथ रहा फिर उसके साथ ब्रेकअप हुआ, फिर जिसके साथ गए तो छः महीने ही रहा, सीरियसली भी रही तो या रहे तो भाई कहीं ना कहीं आपके नेचर में भी दिक्कत है, ठीक है। कुछ हो सकता है, बात आपका पसंद नहीं होता होगा, ठीक है, क्योंकि इतना इत्तफाक तो होगा नहीं कि एकदम मतलब कि दस लोग आए और दस लोग ही छोड़ दिए, समझ रहे हो, मतलब उन्हीं लोग में दिक्कत है जो मैच नहीं हो पा रही, कुछ ना कुछ आप में ही दिक्कत है, बात बात करने में, बिहेवियर में, ठीक है, जो एक कॉमन नेचर होना चाहिए, बेसिक में ही दिक्कत है, तभी दसों को आप पसंद नहीं आ रही हो या पसंद नहीं आ रहे हो, ठीक है। एक बात ये एक पॉइंट ये है कि हो सकता है आप में ही दिक्कत हो, ठीक है। दूसरा ये हो सकता है कि आपका नेचर बहुत ही यूनिक है,
आप मान लो कम बोलने वाले हो और एकदम ही इंटेलेक्चुअल टाइप के हो, ठीक है, ज्यादा अध्यात्म हो, ठीक है, थोड़ा पढ़ाकू टाइप के हो, ठीक है, लेकिन जो भी आपसे अट्रैक्ट हो रहा है, जो भी आपके लाइफ में पार्टनर आया, आपका नेचर नहीं समझ पा रहा है, क्योंकि वो मतलब आप बहुत अलग हो, वो बाकियों जैसा है, उसको चाहे आपका पार्टनर हो सकता है जो भी आए एकदम डीजे पार्टी ये सब मनाने वाला हो, ठीक है, थोड़ा रोमांटिक टाइप का हो, लेकिन आप सीधे साधे हो, थोड़ा तो हो सकता है, ठीक है, इसमें फिर इत्तेफाक हो सकता है कि एकदम दसों को आप पसंद नहीं आ रहे हो, ठीक है, शुरू में अट्रैक्शन हुआ लेकिन फिर मतलब आप पसंद नहीं आ रहे हो उसको, मतलब या तो वो उल्टा सीधा कुछ बात करता है, फॉर एग्जाम्पल आप एकदम पढ़ाकू लड़की हो, ठीक है, आपके लाइफ में चार पांच लड़के आए लेकिन सब सिर्फ आपसे अट्रैक्शन की वजह से आए और रोमांटिक बातें करने के फिराक में थे, लेकिन आपको वो सच में आपको एकदम पसंद ही नहीं आता है, तो आपने उस चीज को मना किया कि नहीं मुझे ये सब बेकार लगता है, बस वो सब बोर हो गए चले गए, आप समझ रहे हो, तो अब इसमें आप खुद को ब्लेम नहीं दे सकते हो, क्योंकि आप पढ़ाकू हो तो आप क्या हो, किसी के साथ किसी पार्टनर के लिए क्या आप पढ़ाकू होना बंद कर दोगे क्या, किताब कॉपी छोड़ के क्या डीजे बीजे करोगे क्या, आप भी तो कुछ संस्कार लियो ना अपने माँ बाप से, या लियो अपने माँ बाप से, तो वो भी मैटर करता है ना भाई, समझ रहे हो, तो भाई देखो पार्टनर के लिए आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, हाँ कुछ आप में घट गया है, कुछ लोग मान लो आपको एकदम गुस्सा है हर चीज में गुस्सा, कुछ लोग का एकदम शकी नेचर होता है, तो ऑब्वियसली बात है ये सब कॉमन नेचर है जो किसी को भी बेकार लगेगा, आपके लाइफ में कोई भी पार्टनर आ रहा है एकदम सब पे मतलब शकी कर रहे हो, तेरा चक्कर चलता है ना, तुम मराती है ना, हाँ तुम मराती है, ओयो में जाती है मरवाती है, हाँ तो आपने एकदम 6-7 लड़कियों को इस तरह बोल दिया, क्या घंटा ठीक है कि कोई लड़की आपके साथ रिलेशनशिप में, तो भाई देखो ये चीज सच में सीरियस इशू है, अगर आपके लाइफ में बहुत लोग आए हैं, ठीक है, एक बार दिल टूटा, तीन बार दो बार दिल टूटा, या आपने ही तोड़ा लेकिन रिलेशनशिप तो टूटा ना, बहुत सारे पार्टनर आए फिर भी सच्चा प्यार नहीं मिल पा रहा है, तो भाई है कुछ ना कुछ दिक्कत है भाई, या तो आप ही का नेचर है, या तो आप कुछ चीज में एडजस्ट नहीं कर पाते हो, या तो एटीट्यूड ही आपका एकदम अहम ही बहुत है आपका, समझ रहे हो, या तो कुछ आपका है ही जिससे आप दिल दुखा देते हो किसी ना किसी को, ज्यादा गुस्सा या एकदम शक कर लेते हो, व्हाट्सअप दिखाओ ये दिखाओ वो दिखाओ, किससे बात कर रही हो किससे बात कर रहे हो समझ रहे हो भाई, या फिर थोड़ा आपको मजा चाहिए, या आपका पार्टनर आपको थोड़ा हो सकता मजा चाहिए, आप समझ रहे हो ना मतलब आप ही में दिक्कत था, मतलब कि कुछ लोग ऐसे होते हैं रिलेशनशिप में मजा नहीं आता छोड़ देते हैं, अरे भाई ये भी तो देखो पार्टनर एकदम हस्बैंड मटेरियल है उसको क्यों छोड़ रहे हो, वाइफ मटेरियल है उसको क्यों छोड़ रहे हो, तो हल्का रिलेशनशिप बोरिंग चलता है तो कभी कभी आप ही लोग का क्या होता है आप बैकआउट हो जाते हो, मतलब एकदम छोड़ो हटाओ, फिर जब 3-4 बार से और आपका ब्रेकअप हो जाता है तब रियलाइज होता है यार वो पार्टनर सही था, लेकिन अब तो उसकी शादी हो गई भाई, समझ रहे हो, तो भाई देखो ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो जो भी व्यूअर हैं मैं एकदम जबरदस्ती का कुछ भी बोलूँ उनको खुश कर दूँ, नहीं भाई आप लोग भी हो सकते हो गलत हो, अब आप लोग बोलोगे कि ठीक है बताए तो सही लेकिन उपाय क्या है, ठीक है उपाय क्या करूँ मतलब ऐसा, तो भाई आपको कुछ चीज़ ऐसा रखना होगा अपने अंदर, कुछ क्वालिटीज ऐसा रखना होगा जिससे कि कोई भी फिर रिलेशनशिप में आए कोई भी पार्टनर तो आपसे बंध जाए, ठीक है, मल्टी पार्टनर होने के बाद भी, ठीक है, मतलब बहुत आपके लाइफ में आए फिर भी कुछ चीज आप में नहीं थी जिससे आप बांध पाओ, एकदम कड़वा सत्य में बोल रहा हूँ सुनना, या तो मान लो कि आपके लाइफ में 5 लड़कियां आई, ठीक है, एकदम सीरियस रिलेशनशिप था लेकिन टिक नहीं पाया, तो भाई कहीं ना कहीं हो सकता है कैरियर वाइज आप एकदम खुद को बना नहीं पाओगे, और हर लड़कियों को चाहिए कि लड़का थोड़ा कैरियर वाइज तो रहे, और ये लड़कियों पे भी अप्लाई होता है, मान लो कि समझ रहे हो ना आप में आपका कैरियर नहीं बना, उल्टा आप ही आपके लाइफ में 5 लड़के हैं सबसे आप ही पैसा खींचने लगी, दोना पैसा दोना दोना, आप पांचों का पांचों ही इरिटेट होकर चला गया, आप समझ रहे हो, तो ये कॉमन फैक्टर पता चल गया ना, कॉमन गलती कि हो सकता है कैरियर वाइज सेट नहीं था इसलिए पैसे वैसे का दिक्कत होता था, अब आप 5 लड़की आपके लाइफ में रिलेशनशिप में आई आपके लाइफ में पांचों के साथ मॉल घूमते थे, ठीक है, लेकिन कभी भी मॉल में एक कप चाय तक नहीं पिला पाए क्योंकि आपके पास पैसे नहीं रहते थे, तो हो सकता है कोई नहीं टिक पाए, करवा सकते हैं भाई, इसका मतलब ये नहीं बोल रहा लड़कियां पैसे की भूखी होती है, लड़के भी होते हैं, ठीक है, लेकिन अधिकतर लड़कियां होती है, ठीक है, और एक और चीज हो सकता है कि लुक्स में भी आप लोग अपग्रेड नहीं कर पाए,
आप समझ रहे हो, मान लो कि पहला प्यार था तो मतलब उसको चाहिए था ठीक ठाक है लड़का, लेकिन आप सकता है लुक एकदम बेकार कर लिए, पहले दुबले थे बाद में मोटे हो गए, आप समझ रहे हो, या तो पहले जॉब थी लेकिन जॉब अब चली गई, लॉकडाउन के बाद क्या हालत हो गई थी पता ही है, जॉब चली गई, पहले कमाते थे एकदम 40,000, अभी आप 20-15 पे आ रहे हो, ठीक है, तो भाई नहीं, खुद का मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, चेहरे पे पिंपल्स हो गया, दाना वाना एकदम मोटा हो गया हो, ठीक है, डाइट एफर्ट नहीं कर पा रहे हो प्रॉपर, जिम के पैसे नहीं है, आप समझ रहे हो, तो भाई उससे भी फर्क पड़ता है, कुछ कॉमन चीज होती है, कुछ कॉमन क्वालिटीज होती है जिसपे काम करने की जरूरत पड़ेगी, जो जो मैंने बताया, जैसे बिहेवियर हो गया, कैरियर हो गया, समझ रहे हो, मतलब पैसा कौड़ी, लुक्स, ये सब कॉमन चीज है जिसपे काम करो, ठीक है, तो तभी कोई बंध पाएगा आपसे, नहीं तो यार बहुत आए बहुत गए, कुछ है प्रॉब्लम आप में भी भाई, एकदम सत्य बोल रहा हूँ, आप में भी कुछ है प्रॉब्लम, आपके लाइफ में 7 लोग आए, 7ों का 7 नहीं टिक पाया, तो भाई है आप में प्रॉब्लम, क्योंकि 7ों क्या एक ही फैमिली के थे क्या, कि 7ों की कॉमन सोच तो नहीं होगी भाई, आप उन 7 के साथ रिलेशनशिप में थे, तो उन 7 रिलेशनशिप में कॉमन क्या है, आप ही कॉमन हो, ठीक है, आप ही कॉमन हो, तो कॉमन में ही कॉमन जो है उसी में तो दिक्कत है, तभी तो 7ों के साथ नहीं बन पाया, अब 7ों का 7 विलेन तो नहीं होगा भाई, तो ये सच्चाई है, अपनाओ भले ही बुरा लगेगा, है कुछ प्रॉब्लम भाई काम कीजिए खुद पे, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही इत्तफाक होता है कि आपके लाइफ में 10 लोग आए और आप बहुत अच्छे थे फिर भी 10 लोग ही विलेन निकले, वो बहुत ही रेयर होता है, वो इत्तफाक बहुत ही, वो बोला ना अलग, आप ही लोग, आप ही का अगर यूनिक नेचर है या फिर आप ही का नेचर एकदम थोड़ा अलग है जिसको कि कोई दुनिया नहीं समझ पा, दुनिया नहीं समझ पा रही है, आपको एकदम कुछ समझ ही नहीं रहा है, तब वो अलग बात है, लेकिन इतना क्या यूनिक नेचर के हो जाओगे आप समझ रहे हो, तो भाई अगर बहुत सारे आपके लाइफ में पार्टनर आए हैं नहीं टिक पा रहे हैं तो भाई आप में है दिक्कत, काम कीजिए, ठीक है, तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करना, ठीक है, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, और इस वीडियो को मतलब क्या फैलाओ यार इस वीडियो को, मेरे से अगर जुड़ना चाहते हो, ठीक है, तो ऊपर व्हाट्सअप नंबर दिया है, मैसेज कीजिए व्हाट्सअप पे, ठीक है, पेमेंट की डिटेल मिलेगी, 1 घंटा में बात करता हूँ, अगर बंदी से प्रॉब्लम है, बंदा का प्रॉब्लम है, ठीक है, तो मेरे से कॉल पे बात करो, ठीक है, नहीं तो फ्री में टिप्स लेना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे आप लोग मैसेज कीजिए, थोड़ा वेट करना क्योंकि बहुत लोग के मैसेज आ जाते हैं, मैं रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है ना, तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, गुड बाय।